News 18, India. क्या भरोसेमंद है काला जठर, यानी किस गैंग का नाम सामने आ चुका है, ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। और ऐसे में जिस पर डाउट है उसी में तफ्तीश आगे बढ़ रही है। जठेड़ी पर यह शक है, रोहतक और झज्जर इलाके में काला जठेड़ी गैंग लगातार सक्रिय, जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। करोड़ों की प्रॉपर्टी विवादों में हत्या का शक अभी तक माना जा रहा है कि यही एक वजह, जो कि पुलिस सोर्सेस का इस वक्त कहना है। और काला जठेड़ी के जरिए ही हत्या करवाई गई होगी, इस तरह का पुलिस सूत्रों की ओर से जानकारी भी मिल रही है। एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। हालांकि वहां की सियासत में उबाल इस मसले को लेकर इसलिए भी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नफे सिंह राठी ने अपनी सुरक्षा को लेकर पहले ही सभी को पत्र लिखा था, सरकार को, डीजीपी को, गृह मंत्री तक को भी पत्र लिखा गया था। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि अगर वक्त रहते इस शिकायत पत्र पे ध्यान दिया जाता तो क्या होता। और इस पूरे मामले में अभय चौटाला ने अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। सीबीआई जांच जिसके जरिए जो वहां के कार्यकर्ता हैं, अभय चौटाला जिसे बड़े लीडर है पार्टी के, वो सभी उनको भरोसा हो सकता है। लेकिन क्या वाकई सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी ये तो वक्त पे छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस अपने स्तर पे काम कर रही है। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने तो सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। जिस ढंग से चौधरी नफे सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। खुद समाचार ये बड़ा दुखद घटना घटी है, मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और इसका दिवाला पिट गया है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि ये हमला हुआ कैसे, हमलावरों ने कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग की है, वो तस्वीरें इस वक्त देखना बहुत जरूरी है क्योंकि गाड़ी पर एक के बाद एक जबरदस्त हमला किया गया। दरअसल शाम के वक्त में घात लगा करके गाड़ी पर हमला किया गया जिसमें नफे सिंह मौजूद थे। और किस पे आरोप लग रहा है ये भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, काला जठेड़ी जो गैंग है उसके ऊपर। लेकिन झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के फाटक के पास ये हमला हुआ अचानक से। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जितने लोग गाड़ी में सवार थे इन सभी पर हमला करने की पूरी योजना बनाई गई थी, और इसलिए ना सिर्फ नफे सिंह पर यह फायरिंग हुई बल्कि उनके सुरक्षा कर्मियों पर भी फायरिंग हुई है। और नफे सिंह फ्रंट सीट पर ही बैठे थे जिन पर ताबड़तोड़ हमला हुआ। और ये गाड़ी की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, उसके जरिए भी आपको पता चल रहेगा कि एक राउंड की फायरिंग नहीं बल्कि कई राउंड की फायरिंग हुई है, तभी जाकर गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। और गाड़ी में नफे सिंह के साथ उनके तीन गनमैन भी बैठे हुए थे, एक गनमैन की भी मौत हो गई है, दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछली सीट पर ये गनमैन बैठे हुए थे जिन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। कोशिश ये की जा रही थी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कि कैसे भी हम अपने नेता को बचा लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। शाम 5 बजे के करीब ये फायरिंग हुई, कार पर सवार थे ये सभी हमलावर और उसके बाद इन्होंने टारगेट गोली चलाई। और बताया जा रहा है कि जब निशाना लगाकर इन्होंने हमला किया, गले और कमर में नफे सिंह के गोलियां लगी है, सुरक्षा कर्मियों को भी इन्होंने गोलियां मारी। करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी CPR किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट ICU में अभी एडमिट हैं, उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रोडेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे।
और दूसरे जयकिशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफ़ी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफ़ी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है, पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। हमारे विधायक जी नफे सिंह राठी की गोलियों से छलनी कर दिया गया और ये बहुत ही दुख की घड़ी है हमारे लिए। हमारे वो सब कुछ थे पर विधायक जी, और बहुत बुरा हुआ। ये प्रशासन की ढील है जो इतना बड़ा कांड हुआ। हम तो यही कहेंगे बहुत गलत हुआ है हमारे विधायक जी के साथ। हाँ जी, सरकार से तो हम कह रहे हैं कि जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए, जल्दी से जल्दी कानून कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने। बहादुरगढ़ में जहां ये वारदात हुई है उस ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया की टीम सबसे पहले पहुंची। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कैसे हुई ये पूरी वारदात। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ से दो बार विधायक रहे नफे सिंह राठी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया है। आईटन गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या की है। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल के बाहर, जहां पर इनेलो के समर्थक जुटने शुरू हो गए हैं। जैसे ही इनेलो के समर्थकों को इस बारे में सूचना मिली तो यहां पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। ये वही ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल है जहां सबसे पहले नफे सिंह राठी को घायल अवस्था में लाया गया था, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही उनके एक समर्थक की भी मौत का मामला सामने आया है, उन्होंने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया है। जयकिशन मांडोठी उनका नाम बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके जो ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरियाणा की सियासत में नफे सिंह राठी कौन थे और उनकी हत्या को लेकर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है, एक एक करके उनसे जुड़ी हुई बड़ी बातें बताएंगे आपको। दरअसल नफे सिंह राठी INLD के प्रदेश अध्यक्ष रहे, MLA भी। अगली बड़ी बातें उनके बारे में, अभय चौटाला जो कि इनेलो के प्रमुख चेहरा है उनके करीबी माने जाते थे, और एक कद्दावर नेता नफे सिंह रहे प्रकाश चौटाला के बेहद विश्वास पात्र माने जाते रहे। अब इसी से समझ सकते हैं कि हरियाणा की सियासत में उनका क्या दमखम था। दो बार विधायक भी रहे नफे सिंह राठी, जो कि 1996 से साल 2005 तक के लगातार विधायक भी रहे। इसके अलावा बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन, यानी सियासत में उनकी कैसे एंट्री होती है, ये सफर कैसे, वो बता रहे हैं। पुलिस इस पर अपना काम कर रही है, हमने इस गंभीरता को समझा है। CIA और STF इस पर अपनी जांच शुरू कर दी है, और जैसे ही इनके परिवार ने भी कुछ शक प्रकट किए हैं उसके आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है। अभी तक परिवार ने लिख कर नहीं दिया है, अब जैसे ही वो लिख कर देते हैं, कुछ और शक सबा करते हैं, उसके आधार पर हम FIR करेंगे। परंतु पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी अपराधी हैं उनको, जो भी साजिश करता होंगे उनको कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस, हरियाणा पुलिस के द्वारा की जाएगी। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा की मांग की गई थी उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं दिया गया, आप लोग विपक्ष की तरफ नहीं देखते हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने किसानों को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस तारा लगा दिया, पर जो अपराधी हैं और जो नेता हैं उनको आप नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं, किसानों पर आप लोग बर्बरता कर रहे हैं, वहाँ गोलियाँ चलवा रहे हैं और अपराधी को पकड़ना चाहिए उनको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए, ऐसे अवसर पर केजरीवाल की आदत है राजनीति करना, वो राजनीति करने से बाज नहीं आते। और जवाहर यादव बता रहे हैं कि सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है जब शाम के वक्त अंधाधुंध फायरिंग हुई और INLD नेता की हत्या कर दी गई। शुरुआती वक्त में खबर ये मिल गई है कि STF इस मामले की जांच करने वाली है, स्पेशल टास्क फोर्स, और किसी भी बड़ी घटना के बाद जब बहुत सारे सवाल जवाब उठने लगते हैं तो पुलिस के वो चुनिंदा अधिकारी जो किसी भी हाई प्रोफाइल केसेस को देखते हैं उसी टीम का गठन हुआ है इस वक्त।